गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा सेकंड सब्जेक्ट मैथ और एक्सरसाइज हमारी रहेगी फर्स्ट, जिसमें हम करेंगे जोड़। आज हम जोड़ करना सीखेंगे। जो हमें संख्याएं दी गई है, जो हमें सवाल दिए गए हैं, उन्हें हमें जोड़ करना सीखना है। तो हमें पहला सवाल दिया गया है, जब भी हम जोड़ को करना शुरू करेंगे तो हम किस साइड से शुरू करेंगे? इस साइड से शुरू करेंगे, ठीक है, उसे करना। तो अब करेंगे कैसे? ये कितना लिखा हुआ है? 6। तो यहाँ लिखी 6 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब नीचे 0 लगा देंगे ताकि हम जो नीचे वाली लाइन लगाएंगे वो दोनों मिक्स ना हो। तो अब ये कितने लिखे हुए हैं? 2। तो यहाँ कितनी लाइन? 1 और 2। अब हम इन्हें काउंट कर लेंगे। कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना हुआ? 8। तो क्या करेंगे? इसी के नीचे 8 लिख देंगे। इसी तरह से हमें दूसरा करना है। ऊपर कितना लिखा हुआ है? 2। क्या करेंगे? 2 लाइन, 1 और 2। फिर क्या किया हमने? 0 लगाया, तो यहाँ 0 लगा देंगे। नीचे कितना लिखा हुआ है? 2। क्या करेंगे? सॉरी, 3, 3 लाइन खींचनी है, 1, 2 और 3। अब क्या करेंगे? अब हमें इन सभी को एक साथ गिन लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, कितने हुए? 5। तो यहाँ कितने लिख देंगे? 5, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा, ठीक ऐसे ही दूसरा करना है। ये कितनी लाइन ये कितना लिखा हुआ है? 8। तो हम क्या करेंगे? 8 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। फिर क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? ताकि जब हम नीचे की संख्या लिखेंगे वो उसमें मिल ना जाए, हमें गिनने में मुश्किल ना हो। तो नीचे कितना लिखा हुआ है? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या करेंगे? इन्हें टोटल कर लेंगे, काउंट करेंगे इन्हें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितने हुए? 14। यहाँ कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। तो इसमें से हम जो पहली जो संख्या है तो उसे यहाँ लिख देंगे, और जो ये दूसरी संख्या बचेगी उसकी हासिल यहाँ लगा देंगे। तो हासिल कितनी आ जाएगी? 1, क्योंकि 14 है, 1 और 4, 14 होगा, तो 4 यहाँ आ जाएगा, जो 1 बचा वो हासिल में चला जाएगा। अब ठीक वैसे ही करेंगे, कितनी लाइन खींचेंगे? 4, 1, 2, 3, 4। फिर क्या किया? 0 लगाया। अब 2 लाइन, 1, 2, ये जो हमने हासिल लिखी थी उसे भी लिख लेंगे अलग से, 1 हो गई। अब हम इसे काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 हासिल थी जो 7, तो कितना हुआ? 7, ठीक ऐसे ही ये करेंगे। पहले 9 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। अब नीचे वाली लाइन 2, 1 और 2, अब इन्हें काउंट करेंगे। ऊपर वाली लाइन कितनी थी? 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 10 और 11। फिर 11, तो 1, 1 तो यहाँ जाएगा, जो ये 1 बचा वो यहाँ हासिल में चला जाएगा, ठीक है। अब 3, 1, 2, 3, यहाँ कितना लिखा हुआ है? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6, ये तो 3 था, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 1 हासिल थी, 9 और 1, 10, तो यहाँ आ जाएगा 10। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं है ना, इसीलिए 10 का 10 आ जाएगा। अगर कोई और संख्या होती तो यहाँ 0 और ये 1 हासिल पे चला जाता, लेकिन इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो हम पूरा 10 लिख देंगे। ठीक वैसे ही ये करेंगे, 8 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 3, 1, 2, 3, ये 8 थी, 9, 10 और 11, फिर से सेम वही हुआ। तो यहाँ लगा देंगे 1 और हासिल आ जाएगी 1 यहाँ, ये कितनी है? 4, और 2, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5 और 6, जो ये 1 हासिल थी उसे भी ऐड कर लेंगे, 6 और 1, 7, तो यहाँ आ जाएगा 7। अब ऐसे ये करेंगे, 1, 2 लाइन, अब क्या करेंगे? 8 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 और 2, 10, 0, हासिल 1 यहाँ लगा देंगे। अब ये कितने लिखे हुए हैं? 7, और नीचे कितना है? 2, तो ऊपर 7 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब नीचे कितने हैं? 2, 1 और 2,
गिनेंगे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 लाइन 8 और 9। ठीक है, ये 1 हासिल थी, वो भी ले लेंगे, 9 और 1, 10। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, ऐसे ही आगे वाला करना है। पहले 6 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्या करेंगे, 8 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हो गए, 8। अब हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। कितने हुए, 14। तो 1, 4 तो यहाँ आ जाएगा, जो 1 हासिल बची है वो यहाँ आ जाएगी। ये कितने हैं, 9, 9 और ये कितने हैं, 1। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 लगा देंगे ताकि संख्या मिले ना, 1 लाइन, फिर ये हासिल वाला 1 लगा देंगे। तो ये थी 9, 10 और ये एक हासिल जो थी ये हुई 11। तो यहाँ आ जाएगा 11। अब आगे वाला करेंगे, ये कितना लिखा हुआ है, 4। 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6, 6 कौन सा, ये वाला 6। अब इन्हें गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 0, 1 हासिल यहाँ, ये 0 यहाँ आई, हासिल यहाँ आ गई। अभी कितना लिखा, 2, 1 और 2, ये कितना है, 1। ये हासिल थी अपनी, 1 किसे भी जोड़ना है तो ये यहाँ, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ क्या लिखा, 4। अब हम करेंगे, पहले कितनी लाइन करनी है, 4, 1, 2, 3, 4। अब 8 लाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। गिनेंगे, ये तो 4 थे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 12 आया, 2 यहाँ हासिल, 1 यहाँ। अब ये है 6 और ये है 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये कितने लिखे, 2, 1 और 2। तो ये कितने थे, 6, 7 और 8, 1 हासिल थी 9। तो ये हुआ 9। अब क्या करेंगे, 6 लाइन, ये वाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 2 लाइन, 1 और 2, 6 ये थी, 7 और 1, 8। यहाँ कितना आया, 8। अब 2 लाइन, 1 और 2, ये कितना लिखा हुआ है, 1। तो काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, तो ये कितना हुआ, 3। तो हमें ऐसे करना है ये जोड़, साथ में आपको करना है 2 और 3 का पहाड़ा, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे करना है। एक बार फिर बता देती हूँ, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 8, 2, 5, 6, 10, 2, 6, 12, 2, 7, 14, 2, 8, 16, 2, 9, 18, 2, 9, 20। सीधा कर लेना, लेकिन अगर नहीं याद हो तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। ऐसे ही 3 का करना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 2 30। ठीक है, ये 30 का, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 6 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 2 40। 2, 3 और 4 का पहाड़ा याद भी करना है और आपको नोटबुक में भी काम करना है।